ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम। मैं समय समय पर आपको सावन की महिमा अवगत करा रहा हूं। सावन के सोमवार, सावन के मंगलवार, उसी प्रकार से सावन के शनिवार की भी बहुत भारी महिमा है। देखिए, शनिवार सावन का और शनिवार के दिन यदि आप विशेष महादेव का पूजन करते हैं वो बड़ा लाभकारी है, मूलतः उन साधकों के लिए जिनके पर शनि राहु केतु वक्र दृष्टि में हो अथवा दोष कारक हो, जिनकी कुंडली में विष दोष हो अथवा जिनकी कुंडली में शनि आदि का कुप्रभाव पड़ता हो, जिनकी कुंडली में पितृ दोष का प्रभाव अधिक अधिक होता हो, अथवा जो वकालत से बड़े परेशान हैं अर्थात कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, अथवा जिनके घर में क्लेश का वातावरण अधिक अधिक बना रहता, कर्ज की समस्या जिनके पर अधिक बनी रहती है, ऐसे साधकों को सावन के शनिवार के दिन विशेष कार्य अवश्य मेव करने चाहिए। और प्रत्येक सावन के जो शनिवार आते हैं उस दिन आप ये विशेष उपाय अपनी ओर से कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। कोई ज्यादा कठिन हम आपको समाधान या उपाय नहीं बता रहे। आपने सावन के प्रत्येक शनिवार के दिन स्नान करना है। स्नान करने के उपरांत सूर्य को अर्घ्य देना है। जिस लोटे से आप सूर्य को अर्घ्य दें उसी लोटे में, तांबे का लोटा हो उसी में आप घर से शुद्ध जल भरें, उसमें कुछ काले तिल डाल दें और ऊपर से तेल की कुछ बूंदे डाल दें, 15-20 बूंदे कुछ भी बन सके वो बूंदे डाल दें। उसके तदुपरांत आप अपने साथ अपराजिता का पुष्प, कनेर का पुष्प और शमी के पत्र, शमी के पुष्प आप अपने साथ लेकर शिवालय में जाएं, महादेव को प्रणाम करें। महादेव के ऊपर जल जिसमें आपने तेल भी डाल रखा है बूंदे और काला तिल डाला हुआ, तीन चीजों से आप भगवान शिव पर अर्पण करें। उसके तदुपरांत भगवान शिव को थोड़ा सा तिलक इत्यादि करके चंदन का प्रणाम करें। तत्पश्चात आप हो सके तो भगवान महादेव को कनेर का पुष्प, अपराजिता का पुष्प, शमी के पत्ते, शहद लगाकर शमी के पत्ते, और अच्छी बात यह रहेगी कि आप हो सके तो शमी के पुष्प आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। और शनिवार के दिन अधिकाधिक आपसे हो सके तो आपने श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। काल भैरवाष्टकम का पाठ करने से जो विपत्ति आपके ऊपर आन पड़ी है अथवा जो कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं अथवा कोई भी जटिल समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो रहा, शनिवार के दिन इस विधान को कर श्री आशुतोष भगवान के निकट यदि आप थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं काल भैरवाष्टकम का तो बहुत ही सुंदर रहता है। तो ये छोटा सा विधान है। इस विधि से यदि आप प्रत्येक सावन के शनिवार के दिन शिवालय में जाकर जल चढ़ाकर आते हैं तो घर का वातावरण भी और व्यापार परिवार का वातावरण के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी आपका शिव कृपा से बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे भरोसा है कि छोटी सी जानकारी है लेकिन आपके लिए बहुत ही प्रबल जानकारी है और उन भक्तों के लिए बहुत अच्छी है जो झंझटों में और समस्याओं में फंसे हैं, उदास हैं, तो शनिवार सावन के हैं, अवश्यमेव इस उपाय को करने का प्रयास अपनी ओर से कीजिएगा। बहुत सरल सा उपाय मैंने आपको बताया, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती। जो ना हो सके तो वहाँ पर आप केवल काला तिल शिवजी पर अर्पण कर दीजिएगा। तो छोटा सा विधान है आपके लिए, अवश्यमेव अपनी ओर से करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।